हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज है सोमवार और पिछले शुक्रवार को फ्राइडे नाइट जो स्मैकडाउन आता है उसके अंदर हुई थी द रॉक की एंट्री। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको द रॉक की एंट्री? जो द रॉक है वो काफ़ी समय के बाद आए हैं और उन्होंने तीन सप्ताह अब वो बैक टू बैक आएंगे। उनके प्रीमियर हैं, 1 तारीख को था और 7 मार्च को है, नहीं 8 मार्च को है, 1 तारीख को था और अब आने वाले 15 तारीख को भी है। तो हो सकता है हम द रॉक को रेसलमेनिया मेन इवेंट में भी देख सकते हैं। डाउन पे तो कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट, स्टोरी लाइन वो भी बताइए, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है आगे, कमेंट में जरूर बताना हम लोगों को। हमें बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो, हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार देते हो। तो अब आगे कुछ मुझे कैसा लगता है मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं रेसलमेनिया मेन इवेंट में फैटल 4-वे मैच ना हो जाए, कोडी रोड्स और ब्रोक लेसनर और द रॉक और द बिग डॉग का, तो फैटल 4-वे मैच हो सकता है दोनों टाइटल्स के लिए और कुछ भयंकर मैच हो सकता है, कुछ सरप्राइजेज भी हो सकते हैं दोस्तों आपके लिए। तो ज़रूर देखिएगा रेसलमेनिया हमारे साथ। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे आज की वीडियो में, इतना ही, धन्यवाद।